जो यहाँ पर आदमी खड़ा है इनकी वजह से खड़ा है। अरे तुम आओ ना। अब पैर का दर्द कैसा है? हल्की सी मोच ही तो है, ठीक हो जाएगी। बैठो। सुमन, आई एम सॉरी। दोस्ती का एक उसूल है मिस्टर, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके, सुनो ये दवा वहां पे रख दो। सुमन, दवा मैं लगा दूं? मैं आके बंद रखूंगा, प्रॉमिस। सुमन, तुम जानती हो माँ मेरे बारे में क्या कहती है? क्या? कि जहां पे भी लड़का जाता है तो उस पनाह फिरता है, देश में विदेश में। लेकिन तुम उन सब से अलग हो सुमन, तुम्हारी बातें उन सब से जुदा हैं, पता नहीं क्यों। तुम जानती हो, कुछ बोलोगी नहीं सुमन? प्रेम? हाँ, तुम आंखें खोल सकते हो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सच, लड़कियां होती हैं ऐसी पागल। आपकी कैप। मिस सुमन, मेरी तरफ से आपको। मुझे? क्यों, क्या एक दोस्त उसे दोस्त को प्रेजेंट नहीं दे सकता? दोस्त? लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या, दोस्त तो वो होता है जिसे मिलने को जी चाहे, बात करने को जी चाहे, दिखते लगे That's my friend। और फिर आपके पापा और मेरे पापा भी तो दोस्त हैं, और फिर ये क्या बनाई दोस्ती के लिए है ना? थैंक यू। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके। हेलो, कहाँ चली जा रही हैं आप? इस तरह छुप छुप के लड़कियों को देखना अच्छा लगता है क्या? अजी, आपका डांस ही देखा तो फिर क्या देखा, आज हम आपके डांसिंग के भी फैन हो गए हैं। हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। क्यों, आजकल ऐसा क्या हो गया है? बस, जो भी आप कहती हैं, जो भी आप करती हैं, हमें सब अच्छा लगता है। फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? इट इज बैड मैनर्स। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले दो बार सोचिएगा। किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? आपसे, सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। क्यों, हम आपके हैं कौन? कह दूं? प्रेम बेटा, इम्तिहान की घड़ी आ गई है, चढ़ जा सूली पर। कोई देख तो नहीं रहा? क्या कह रहे थे आप? अरे कुछ नहीं, मेरी मां मुझे हेलो शिट, आई लव हर, यस। वाओ, वाकई जीजा जी का जवाब नहीं, दिस इज सो गुड एंड दिस इज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल, और चलिए मैं आपको भैया की सबसे ब्यूटिफुल पेंटिंग दिखाता हूं। चलिए ना, चॉकलेट? ओ चॉकलेट, थैंक यू। आइए ना। कैसी लगी?
आपको बजाना बजाना भी आता है, सिर्फ पोज लेके खड़े हैं? लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बजा लेते हैं। बाकी जवाब सुनिएगा, फैसला कीजिएगा। ओह मैं तो भूली गई, जीजी ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजी है। भाभी ने? वाओ। हमने तो बहुत मना किया, कहा क्या जरूरत है, खुली। वाओ ब्रोच। इसे कोट पर लगाकर घूमिएगा, गर्लफ्रेंड्स पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। निशा जी, निशा जी, इसे लगाने में मदद कीजिए ना। हटिए। आउच। सॉरी चुभा? तो यूं ही? यूं ही? चुभता तो ऐसे लगता ना। Very smart. Ouch! क्या हुआ? इस बार चुभा? चुभता है तो ऐसे ही लगता है। प्रेम भैया पिकनिक का सामान बस में रखवा लो। हलवा बहुत अच्छा बना था, पहली बार बना रही थी, डर रही थी पसंद आएगा या नहीं। ब्यूटीफुल नारी, इसके लिए थोड़ा सा वक्त है। एक और सीक्रेट, सीक्रेट रास्ता जो एक दिल से दूसरे दिल तक जाता है। हल्दीराम से खाना लाई हूँ, पार्टी में डॉक्टर्स होंगे, खाने नहीं देंगे, चलो जल्दी खा लो। आप खास इसलिए आई हैं? सॉरी भी कहना था उन सारी शिकायतों के लिए जो मैंने आपसे लिखवाई। सच्चा प्यार क्या होता है मैंने आज जाना। मेरी खातिर युवराज अपनी बहनों के घर गए उन्हें मनाने। अगर ये उनका मेरे लिए प्यार नहीं तो इसे क्या कहते हैं। बड़े महाराज के टाइम के दिए आज हमसे शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तक शादी की डेट फिक्स हो ही नहीं रही। जिनकी शादी होती वो थोड़ी ना तय करते हैं, आपकी दादी तय करेंगी। पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम वो हो ही नहीं, कोई और हो, कहीं दूर से आए हो मेरी हर तन्हाई दूर करने के लिए। But you know what? Who cares? उस दिन ढेर सारी शिकायतें लिखवाई थी, आज फिर कहूंगी और तुम लिखना इस बार मेरे पीठ पर।